रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे कि 100 हरामी कुत्ते की मौत मरेंगे तब जाकर मेरे से कमीना पैदा होगा। मैं जानता हूं आनों के आलाना गलत था। नई नई शादी हुई उसकी, अभी अभी पति मरा है, बिचारी को सुहागरात नसीब नहीं। अब तरुण है ही ऐसा माली जो इतनी खूबसूरत फूल पर कभी पानी नहीं डालेगा, और मेरे मन में आना के लिए प्यार का समुंदर था। और वैसे भी एक पल की है जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी, तो प्यार दो और प्यार लो। थैंक यू। सॉरी तरुण की जान गई, सैड। सुहागरात नहीं हुई, सैड अगेन। वैसे क्या ही कर लेते, हमारे सीनियर साहब जो है ना, वो आपके बड़े फैन है। आई मीट हिम। तो क्यों ना थाना जाके एक सेल्फी फोटो खींचा जाए। मैंने क्या किया? व्हाट डिड आई डू? व्हाट? इसके लिए व्हाट द राइट जगह, लेफ्ट इंडिकेटर। हेलो, हाँ किधर है? अरे मैं इधर ही बैठा हूँ, आ जा फटाफट। ओ भाई लाल जी, अरे क्या चला रखे यार, क्यों गाने वाने चला रहे हैं? ए, इसके पहले वाला गाना? तरुण डालमिया के मर्डर केस में उनके दोस्त मानव को किया पुलिस ने गिरफ्तार। सुनने में आया है कि दिल्ली के एक्स कॉप जयवीर मल्लिक का इस केस को सुलझाने में बहुत बड़ा हाथ था। आजकल वो मुंबई में है। अब देखना है कि चला दिया पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे कि नहीं। जानने के लिए देखते रहिए हमारी स्पेशल न्यूज। अरे भाई थोड़ा किनारे हो जाओ। अरे थोड़ा किनारे हो जाओ। क्या देखना है तने न्यूज में? मेरे भाई की न्यूज आ रही, थोड़ा किनारे हो जाओ। क्यों, जयवीर मलिक तेरा भाई है? सुनो ये भगोड़े का भाई। आराम से तमीज से बात कर। नहीं करता। क्या हो गया भाई, क्या करेगा? आराम से बैठ के बात कर लेते हैं, क्या परेशानी? अरे भगोड़े ना भगोड़ा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? साला एक प्रेग्नेंट औरत की हत्या करके भाग गया बम्बई। दल्ला साला सर, केसर तुम चिंता मत करो, मैंने खन्ना से बात कर लिया है, वो लोग अर्जुन को छोड़ देंगे, ठीक है? मलिक, तुम जल्दी वापस आ जाओ ना, तुम्हारे बिना यहाँ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो ही जा रही है। टोस्टर भी खराब हो गया, तुम अपना काम यहाँ दिल्ली से नहीं कर सकते क्या? कर सकता तो इतनी खूबसूरत और ठरकी बीवी को छोड़ के आता क्या? इन चिकनी चुपनी बातों से मुझे उलझाओ मत, मैं जानती हूँ तुम्हें। मुझे पटाकर फोन रख दोगे? अरे तुम बोल रही थी ना तुम्हारा टोस्टर खराब हो गया, तो नया टोस्टर मंगवा लेते हैं। कौन सा चाहिए? दो स्लाइस वाला, चार स्लाइस वाला, कौन सी कंपनी चाहिए तुम बोलो तो। मलिक, जो भी चीज खराब होती है तो मुझे नई क्यों दिलवा देते हो? उसे ठीक भी तो करवा सकते हैं ना। मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हें फोन रखना है तो रख दो, चीजें दिला के मुझे खरीदो मत। अरे कैसे तुम, अगर तो खुराना को जानते हो, वो फेमस रैपर, तो कोके के केस में पुलिस ने धर लिया है। कल सुबह मुझसे मिलो। ओके। क्या तू
तो दिन में शुरू हुई, कल की नहीं उतरी तो? तो हैंगओवर था, नशा है कि नहीं पता ही नहीं चला। से कहा अब तो क्लियर हूं। जयंती 10 मिनट में तेरे घर के नीचे। हो आती हूँ। एक बात होता, तेरी इसके साथ हराम की कमाई की पार्टनरशिप तो है, पर उसे देख, वो इतना बड़ा मुंबई का फिक्सर बन गया और तू हवलदार की हवलदार रह गई। अगंतुक का बाप खुराना सीनियर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 3 हिट फिल्में बनाई है उसने मेरे लिए। इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में है और उसके यहाँ आने से पहले हमें फिक्स करना है। पैसे की बात कर ली है मैंने। कोई लॉयर किया आपने? एक अच्छे लॉयर को जानती है मैं। अगंतुक का जेल से जल्द छूटना उसके करियर और उसके बाप की इज्जत के लिए बहुत जरूरी था। किसी ने क्या खूब कही है, डोंट रिस्क इट जस्ट फिक्स इट। और यहाँ काम आता है फिक्सर, यानी कि आपका दोस्त मैं। गणपति बाप्पा मोरिया, कृपा कर रही देवा। गोमंतक ने खाना खाया क्या? गोमंतक सर? गोमंतक ने आगंतुक, आगंतुक जो भी है लेके आए उसको। सर जेवण आलो। आला का? खड़ा रे। काय रे? आगंतुक सर? आगंतुक नाही, आगंतुक साहब। आगंतुक साहब, इसको कुछ खिलाया? साहब कुछ पूछ रहे, जवाब दो। साहब आपले चौकी से जेवण आवडलेलं दिसत नाही याला। तेरे लिए मंगाऊ क्या? पिज्जा बर्गर? कैन आई गेट एवोकाडो सैलेड? काय काढू म्हटलं? एवोकाडो काढून काढ रे तुझ्या मायने। बस बस ए बेटा उसको। कैन आई, दिस फूड इज बैड हियर, कैन आई गेट सैलेड? कल तो खाया था 5 स्टार में, देखा मैंने इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम? हां अरे सब डालता है उसमें वो। सो यू आल्सो फॉलो मी? अभी तुम्हारा एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालो। चिलिंग इन जुहू पुलिस स्टेशन विद 6 इंटेलिजेंट ऑफिसर। है क्या तू? क्या इंटेलिजेंट है क्या? I can't do that sir, it's not good. It's अरे ये गाता है, पलावटला है, एक्टर है। अबे एक्टर नहीं, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ये गाता है, रैप करता है। सर I can't do it, I'm not in my mojo. हातातले पाहिजेत के पायातले मोजे? ओके सर, I need my gear, I don't have my gear. ए थांब रे, त्याला टोपी घाल। हा ये है तेरा गियर, ये तुम्हारा माइक। अब शुरू कर। हाँ शुरू। नहीं वो नहीं हैपन सर। क्यों? आई नीड पीपल, ऑडियंस। ठीक है हम लोग ऑडियंस है, जरा करूं दिखा जरा। ये देखिए जरा ऑडियंस है, बोल जल्दी शुरू कर। बस बस असला अपना हगने का टाइम आ गया, माइक टकली तो ढोके छे लेके जा भाई इसको जा। सनी पुलिस सीएमआईआर उधारी वालों के लिए सनी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन अपने दोस्त यारों के लिए सनी हमेशा इधर ही छे। एनी टाइम। अरे मैडम आओ ना, अंदर आओ। चले भाई लोग हल्के हो जाओ, फटाफट बैठो। मैडम सीसीटीवी का फुटेज उड़ाना है, एटीएम का महंगा। एरिया और ब्रांच बोलो। क्या हुआ यार? न्यू हिंदुस्तान बैंक वो 10th रोड जू वाला। तू हैकिंग, मैं ड्रिंकिंग। ओके तो कर क्या रहा है यार? अरे मैडम हर एक एटीएम का है ना सर्विलेंस कोड होता है, वो कोड से हम लोग बैंक के कोई भी सिस्टम में जाकर उस फुटेज का पता लगा सकते हैं। लेकिन लफड़ा एक है यार मैडम, क्या है ना कि उसके लिए हमको उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी चाहिए होगा उस यूनिट का। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैंने उसका भी इंस्टेंट प्रोग्रामिंग कर दिया है। 2 मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ आपको।
यही तो वो वीडियो है मैडम जिसको आप ढूंढ रहे हो, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। इसको डिलीट करने के लिए पहले हमें इसके फायर वॉल को क्रैक करना पड़ेगा, और क्रैक करने के बाद हमें इसके फायर वॉल को फिर से ओवरराइड करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी मैडम एक प्रॉब्लम है, उससे पहले हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि सर्वर कहाँ पर है। मिल गया सर्वर मैडम, हो गया अपना काम। You may proceed. There is no case here, my lord. मेरे क्लाइंट के सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से उसे फंसाया जा रहा। There is no proof, no evidence, no nothing. सिर्फ कोकेन कोकेन की रट लगा रखी है प्रोसिक्यूशन में। माय लॉर्ड, जब आगंतुक को कांस्टेबल साबले और पाटिल ने पकड़ा था, तब उनकी जैकेट से 7 ग्राम कोकेन बरामद हो चुकी थी। यू हैव एविडेंस सर? एटीएम का सीसीटीवी फुटेज। तो अगर आपके पास एविडेंस है तो कोर्ट में पेश कीजिएगा। कोर्ट का समय क्यों खराब कर रहे हैं सर? देखा माय लॉर्ड, इस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम खराब कर रहा है। माय लॉर्ड, शायद एविडेंस टैम्पर हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो हम क्लाउड के जरिए सीसीटीवी फुटेज एक्सेस कर सकते हैं। परमिशन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, फुटेज क्लाउड सर्वर से भी हटा दी गई है। दिस इज टू मच योर ऑन। एविडेंस में सिर्फ 1 ग्राम कोकेन जब्त है। मैं अब कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना फैसला सुनाए। क्योंकि प्रोसिक्यूशन के वकील के सबूत बेबुनियाद साबित हुए, इसीलिए अदालत आगंतुक को 3 महीने का सोशल वर्क का हुक्म सुनाते हुए बाइज्जत बरी कर दी। आगंतुक को जेल से निकालने के लिए हमारा प्लान कुछ ऐसा था। सबसे पहले तो 7 ग्राम नहीं, 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम के साथ पकड़े जाने पर रिहैब, सोशल वर्क और थोड़ा सा फाइन, जेल नहीं होगी। पहले कोर्ट में 7 ग्राम कोकेन को 1 ग्राम करना। 7 ग्राम का 1 ग्राम करने का। दूसरा, कोर्ट में प्रोसिक्यूटर लॉयर की पेन ड्राइव को चेंज कर देना। एक्सचेंज कर बेटा। कोर्ट बातों पे नहीं, सबूत पर चलता। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज का कुछ करना पड़ेगा। अगर आगंतुक कोर्ट में डीलर का नाम बता दे तो एक अच्छे सिटीजन के नाम पर 3 महीने का सोशल वर्क, थोड़ा बहुत फाइन, सुलटा दें। अगर डीलर के नाम के साथ सबूत भी दे देता तब तो सरकार से नाम की बात भी कर सकते हैं, पर सबूत आएगा कहां से? और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आगंतुक से ड्रग डीलर का नाम कबूल करवाना ताकि वो पाइज़त परी हो सके। माजिद अली खान। घंटी बज रहा है इधर भाई। हेलो, या माजिद भाई, दिस इज आगंतुक। या एक्चुअली इट्स माय बट नो इट्स माय फ्रेंड्स बर्थडे, मन्नो ना माल चाहते थे 25 ग्राम ओरिजिनल डिटो सेम। हां, बर्थडे रंगीन करने का है, ठीक है, मैं पंटर को भेजता हूं। सेम जगह सेम भाव। अपने रैपर को देखिए, आज बजाएगा कुछ बढ़िया। हेलो माजिद भाई, छोटा पकड़ा गया और उसने पुलिस के सामने आपका नाम भी ले लिया। कौन था वो? है कोई, फिक्सर मलिक। मुझे मलिक का खून चाहिए। मैम, आप प्लीज जल्दी 2 बॉटल ब्लड अरेंज कर लीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। और सुनो, कुछ लोग मेरे खून के प्यासे थे और कुछ मुझे खून देने को बेताब। सब मेरा ही फैलाया हुआ रहता है। आज मेरे दुश्मनों के लिस्ट में एक नाम ऐड हो गया, मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग डीलर माजिद खान। हिंदुस्तान में अच्छी बीवी और सरकारी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है,
मेरे पास दोनों थी, पर सारा फिक्सर बनने के चक्कर में मैंने अपने खुद के लगवा ली। अब भुगतो, अगले जन्म में तो ये भी मिलने से रही।